गांव था और गांव में पूरे गांव वालों ने क्या करा, दिन रात दिन में काम करा और रात में नहाए धोए। और एक डोकरी थी बिचारी मेरे जैसी गरीब, उसने दिन में नहाया धोया साफ सफाई सब करी, तो सब गांव वालों ने रात में करा और उसने पहले से बना के धर लिया। गांव में पूरे में आग लग गई, उसकी टाकरी बच गई। तो उसने किया ऐसे मत करो, ऐसे करो। हमारे जो पुरखे थे वो भी यही परंपरा करते थे और हम लोग भी इसी को अपना रहे हैं। और ये शीतला माता की जो पूजा है, ये शीतलता देने वाली तो है ही, साथ में अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, शांति सभी के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए पूजा विशेष रूप से की जाती है। भाई परंपरा से मान्यता तो ये कही गई है कि जिन लोगों को भी माता निकलती है, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को कम मात्रा ज़्यादा करके बच्चों को और बड़ों को भी निकलती है। इसके तहत क्या होता है कि माता के पूजन से यहाँ का जल ले जाके उसको जैसे पिलाया, स्नान कराया, घी और कपूर को उसको लगा करके और नीम के पत्तों से उसको झाड़ दिया जाता है तो ये शांत हो जाती है। और ये करीब करीब 7 रोज़, 15 रोज़, 1.25 महीना, 1.5 महीने करीब ये रहती है। और गर्मी के समय में बहुत ही ज़्यादा माता परेशान करती है, तो जिन लोगों को भी ये माता शरीर में भी आती है कभी कभी, ये भी देखा गया है। खास तौर पे गुड़ वगैरह का, दही, दूध, पूरी, जो भी माता जी को नैवेद्य रहता है वो सब चढ़ाया जाता है और ठंडा ही फिर सुबह महिलाएं खाती हैं। परिवार में अधिकतर सभी लोग खाते हैं लेकिन महिलाओं का खास विशेष तौर पर दो टाइम खाती है। कि इसके बाद से मतलब गर्मी शुरू हो गई है और इसके बाद से आपको ठंडा खाना, आपके डाइट में दही और ठंडी चीज़ें आपको इंक्लूड करना है, ये इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक है। मतलब हमारी हिंदू रिवाज जो है वो सारे साइंटिफिकली बेस्ड है। हम इसी व्रत लेते हैं कि हे माता, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को सुख और शांति प्रदान करना। हम बासी बना के खाएंगे, जमीन में नीचे रख कर के खाएंगे खाना, बिना थाली के खाएंगे, बिना झोंक लगाए खाएंगे। सप्तमी के दिन जो है शीतला माता को पूजा जाता है और ये बड़े बुजुर्गों की जो परंपराएं बनाई गई है। और माता जी तो अपन को सब कुछ सब देती है, बच्चे वगैरह घर में सुख शांति वगैरह सब देती है। इसीलिए अपन ये शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाते हैं। Alima
मारे माए जी ए चादर चढ़ क्यों।